जागरूक करने के लिए ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और इधर उधर कचरा ना फेंके। अगर साफ रहेगा शहर तो हम लोग भी बीमारी से मुक्त रहेंगे। कम से कम 200 रुपया दंड रखा गया है और उससे ज़्यादा हम 500 1000 जो भी ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो देना नहीं चाहते हैं, झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं, फिर भी बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं अशोक राजपथ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। आपको बताया 2022 पटना की ब्यूटी, हम सबकी ड्यूटी, ये आपको यहाँ पोस्टर पर दिखेगा। स्वच्छ पटना के लिए वोट करें। अब जानते हैं कि ये पूरा चीज़ क्या है और क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा छोटू कुमार नाम हो गया। छोटू कुमार नाम हुआ। ये जो है पटना की ब्यूटी, हम सबकी ड्यूटी, ये क्या पहल है? ये सफाई से निरीक्षण, सफाई के संबंधी में जानकारी दिया जा रहा है। जी, किस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं? बस पब्लिक को कंसेस कर रहे हैं, जो कूड़ा कचरा इधर उधर ने फेंकने के लिए, एक जगह पे फेंकने के लिए, ताकि सफाई रह सके। ये पब्लिक तक आप ये अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ताकि सफाई पर सबका ध्यान हो। जिस तरह से नगर निगम द्वारा एक अच्छी पहल है ये भी कि सफाई हमेशा सफाई होती रहती है हर गली हर मोहल्ले में, फिर भी लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इसी के लिए जागरूक करने के लिए ऐसा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पब्लिक लोग कंसेस हो, जो सफाई ज़्यादा पे ज़्यादा सफाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। जी जी सर जी। देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हो आपका? क्या क्या सोच कर ये अभियान आपने स्टार्ट किया, पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी? ये सफाई को मद्देनजर रखते हुए, जो उसी गीला कचरा है, सूखा कचरा है, सबको अलग अलग रखने की, इससे हम लोग मतलब इसके थ्रू उनको दिया जा रहा है कि आप सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और इधर उधर कचरा ना फेंके, इधर उधर कचरा ना फेंके। कुछ लोग हैं जो अभी भी कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहती हूँ, इसी के कारण तो हम लोग ये मतलब कि आदेश इस तरह का निकाल करके उन लोगों को कन्वेंस करना चाहते हैं कि इस तरह का नहीं करें, इस तरह का नहीं करें। देखिए सफाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को भी साफ रखें, तभी आप देश को भी साफ रख पाएंगे। गंदगी से खुद के घर को और रास्ते को, हर एक जगह को आपको गंदगी से दूर रखना पड़ेगा। कितना ज़रूरी है सर सफाई? हम लोग जो अभी स्वच्छता जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उसमें नागरिकों से अपील कर रहे हैं, लगातार यह अभियान हम लोग लगभग दिसंबर से ही चला रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घर का जो गीला सूखा कचरा है नगर निगम के गाड़ी में ही डालें। आप थोड़ा छोटा सा सहयोग करें, सड़क पर कहीं भी नगर निगम के गली या सड़कों पर कूड़ा ना फेंके, तो यह शहर स्वच्छ और सुंदर रहेगा। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं, वे भी अभी वर्तमान में रात दिन दोनों पालियों में सफाई किया जा रहा है और नागरिकों को लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी उन्हीं के आदेश के आलोक में हम लोग यह जो स्वच्छता सर्वेक्षण रैली है, या इसको जो भी समझें, हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में सफाई कितना ज़रूरी है? सफाई बहुत ही ज़रूरी है। सफाई स्वच्छ, अपने स्वच्छता के लिए, अपने को स्वच्छ रखने के लिए, और हम अगर साफ रहेगा शहर तो हम लोग भी बीमारी से मुक्त रहेंगे। और इसी उद्देश्य से पटना नगर निगम यह अभियान चला रहा है, नागरिकों से लगातार विनती अनुरोध कर रहा है। दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, दिन रात जितना पटना का कचरा है उसको साफ करते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोड पे इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, इतनी साफ़ सफाई के बाद भी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम लोग का पॉस मशीन सफाई निरीक्षकों को नगर आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया है, और उसमें दंड लगाने का भी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ लोगों को यह अभियान मतलब दंड लगाया भी गया है, और इसीलिए लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप लोग उस दंड के भागी ना बने, पटना नगर निगम को सहयोग करें, और जो पटना शहर है, आपकी शहर, आपका पहचान बने, कुछ ऐसा पटना नगर निगम को सहयोग करें। कितना दंड अभी तक आपने लोगों को लगाया है और सबसे कम कितना रखा है दंड? कम से कम 200 रुपया दंड रखा गया है और उससे ज़्यादा हम 500 1000 जो भी ले सकते हैं, उसमें कोई 5000 तक ले सकते हैं, ऐसा कोई उसमें ही नहीं है।
तो जब डंड आप ले रहे होंगे तो बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो देना नहीं चाह रहे होंगे, बहस भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो देना नहीं चाहते हैं, झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं, फिर भी उन्हें अभी फिलहाल समझाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा, नगर आयुक्त का स्पष्ट निर्देश है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन का जिक्र किया, तो ये एप्लीकेशन क्या है, एक बार लोगों को बताएं। ये हम लोग का जो पटना शहर को जो रैंकिंग अभी चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें पटना शहर को रैंकिंग नंबर वन लाने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि फीडबैक ऐप लोड कर फीडबैक दें, ताकि आपका शहर स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन पर आ सके। पिछले बार 44वें स्थान पर था, इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नंबर वन पर आ सके। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग स्वच्छता ऐप लोड कर अपने शहर के प्रति जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फीडबैक दें, ताकि यह शहर स्वच्छता नंबर वन पर आ सके। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अपने देश को, अपने शहर को हमेशा स्वच्छ रखें। आप देख लें किस तरह से ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं, साफ सफाई करते हैं, किसी और के लिए नहीं, हम ही लोग के लिए, आप लोगों के लिए ही करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये लोग के सफाई को, जिस तरह से लोग सफाई कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग ना करें और रोड को और अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बीमारियों से बचेंगे, बहुत सारी चीज़ों से आप बचेंगे। और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और कहीं ना कहीं उस पर अपना फीडबैक भी दें, ताकि ये नगर निगम के जितना कर्मचारी हैं उनका भी हौसला बुलंद हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के साथ दें आपका। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।